नहीं मैं वो पीछे तो टाइम लगा कुछ भाई ने जो सब कर दिया नहीं था पैसा टूट टाइम गया पूरा तो खराब है पूरा टीम खराब है नीचे अरे इसी को सुधार देगा तो YouTube पे होता है कट हो जाता है कट मतलब स्टार्टिंग में लास्ट में होगा ऐसे कि बीच में कट करना है क्या हो जाएगा YouTube पे जब अपलोड कर देते हो ना जब अपलोड हो जाता है पब्लिश करने से पहले तो स्टार्टिंग में जैसे WhatsApp पे नहीं वीडियो भेजते तो आता है कि कहाँ तक कर देना है WhatsApp पे कर सकते हो अपने किसी नंबर पे भेज दो हाँ भैया आए नहीं आप यार अरे यार कल कल के चक्कर में तो आज आ जाता हूँ यार ठीक है नहीं किया क्या लिस्ट कहाँ से मिलेगी यार फाइनल वाली कौन है फाइनल तिलवानी जी भी कई बार भेज चुके हैं आपको संजय सर भी कई बार भेज चुके हैं नहीं कोऑर्डिनेटर कौन है संजय सर है क्या नहीं नहीं अभी फाइनल ईयर के तिलवानी जी है ना आपको तो पता ही है आपको मैंने मेल फॉरवर्ड किया है क्या चीज जो मैसूर वाले जो कराना चाह रहा है ये 924 के बीच में करा रहा है क्या कहाँ करा रहा है भावना है कोई
अमानत भावना अमानत चलता है। अरे मुकेश सर, मुकेश सर वाईफाई भी नहीं चल रहा। बोलो। मेरे को यार वो लिस्ट भेजना ना, फाइनल मिल गया स्टूडेंट की। और थर्ड ईयर वाली पढ़े लिखे मिल जाएगी है ना। सब लोग भेज चुके हैं आपको पहले ही, आप सही नहीं कर रहे। संदेश ने भी भेजा है, मुकेश ने भी भेजा है। बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो क्या चार ही लोग आए हैं आज? हेलो किशन, हेलो हाँ अभिषेक, मैसेज करो यार सबको। सर ग्रुप में मैसेज कर दिया है सर। किशन, किशन तो आधा अधूरा दिख रहा है, पीछे से तो कुछ नहीं आ रहा है इसका। ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है क्लास? सर ये तो आप उनके घर पे फोन करोगे, उनके पूछोगे तो पता पड़ेगा सर। मिनाज हेलो, हाँ मिनाज हेलो, मिनाज बाकी लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? सर मैसेज तो कर रहा है सर ग्रुप में। क्या? हाँ हेलो मैसेज सर, डायरेक्ट लिंक भेज दिया है ग्रुप में। हाँ सर ज्वाइन नहीं कर रहे। हाँ सर
सर पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको पता भी चला है कि नहीं चला है पता नहीं सर। यार 5 तो बहुत कम है, एटलीस्ट 10 से ऊपर होने चाहिए। फोन करो सबको एक एक को, है ना। अभिषेक तुम किसी एक को फोन करो, अनुरित तुम किसी एक को, है ना, मिनाज ऋषभ एक एक को फोन करो सर। ठीक है सर, मैं अक्षत को फोन कर रहा हूँ। और यहाँ ऋषभ ऋषभ किशन किशन तुम भी फोन करो, है ना। जैसे मैंने हाल का कॉल कर दूँ सर। अच्छा हेलो हेलो, यस सर। हाँ फोन करो तुम भी किसी को। यस सर। पंकज आवाज आ रही है क्या? हेलो पंकज, किशन, हेलो किशन, हेलो। यस सर। किशन हेलो, हेलो हेलो। कौन सर? पंकज। ये किशन क्यों नहीं बोल रहा? किशन हेलो सर, मैंने अक्षत के कॉल करा अभी सर, 5-6 बार करा, लेकिन सर उसके आउट ऑफ रेंज बता रहा है बार बार, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। करो तो अक्षत से कोई, वो थोड़ी है। हाँ सर, मतलब मैं एक एक का बता रहा था सर, बस आपको मिनाज और देख रहा हूँ कौन है। हेलो। हाँ मिनाज, तुमने किसको फोन किया? कोमल भी नहीं उठा रहा क्या फोन? ये तो वही मम्मी के लिए कर ले। हाँ ये आदिश। हाँ कहीं पुत्तर चुदाके बंदे। नहीं नहीं ये कर नहाए ना सूप लाखों।
अटेंडेंस सेंड करो अपनी, है ना, अटेंडेंस सेंड करो सभी अपनी। हेलो। यस सर। किशन अभी तक नहीं आया। ऐड हो गया खाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। बारह जने हो गए सर। लाइट विजिबल है ना। हेलो। यस सर। ब्रेक पावर, ब्रेक पावर क्या होती है? द पावर विच इज अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट एज आउटपुट। इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग डायनेमोमीटर। अगर अपन रोप डायनेमोमीटर को कंसीडर करेंगे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस टॉर्क हो गया, है ना। फोर्स किसमें है? न्यूटन में। और जो डिस्टेंस है वो ब्रेक रेडियस हो गई। तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू टू पाई एस, ठीक है। और एस इनटू एफ क्या हो गया? टी। इसमें टी क्या है? एफ इनटू एस, तो ये टू पाई टी हो गया। टॉर्क एफ इनटू एस क्या है? टी, तो टू पाई टी हो गया, है ना। अगर इंजन एन आरपीएम पर रन कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये ब्रेक पावर टू पाई एन टी। ओके सर, ठीक है। ये तो वर्क डन हो गया। और वर्क डन पर सेकंड क्या होगा? टू पाई एन टी ब्रेक पावर, है ना। ऑन ब्रेक पर क्या होगा? टू पाई एन टी। ब्रेक पावर क्या हो जाएगी? टू पाई एन टी। यस सर। नोट कर लिया आपने ब्रेक पावर? ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा? टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन वर्किंग एट वाइडलिंग वेरिंग ब्रेक पावर एंड स्पीड। इक्विवेलेंट मीन इफेक्टिव प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय पावर इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर इनटू लेंथ एरिया और एन। बी मीन एल ए एन, ठीक है। तो अपन बी मीन निकाल सकते हैं, यानी ब्रेक इफेक्ट मीन इफेक्टिव प्रेशर। बी यानी ब्रेक, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा? बीपी अपॉन एल ए एन। ठीक है, नोट कर लिया ये? Yes, sir. है ना। उसके बाद है फ्रिक्शन पावर। फ्रिक्शन पावर क्या होगी? पावर डेवलप विच इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इन डिफरेंट पार्ट कनेक्टेड कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन पावर। आईपी माइनस बीपी इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर इज कॉल्ड फ्रिक्शन पावर। ठीक है, ये फ्रिक्शन पावर हो गई। तो आईपी क्या होगी इसमें? इसमें आईपी क्या हो जाएगी? इंडिकेटेड पावर इक्वल टू क्या हो जाएगी? ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर। ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। बीपी अपॉन आईपी, ठीक है। और आईपी क्या है? बीपी प्लस एफपी।
इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बीपी को आईपी माइनस एफपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस एफपी अपॉन आईपी मैकेनिकल एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, बट समटाइम्स डिसिपेशन ऑफ पावर ड्यू टू फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट मीन इफेक्टिव प्रेशर। इक्विवेलेंट मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर प्लस पंपिंग मीन इफेक्टिव प्रेशर प्लस फ्रिक्शनल मीन इफेक्टिव प्रेशर। और एफिशिएंसी क्या है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर अपॉन इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन मेजर हाउ एफिशिएंट इंजन इज यूटिलाइज द फ्यूल। ये क्या है, मास ऑफ फ्यूल अपॉन पावर, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक फ्यूल अपॉन ब्रेक पावर, और इंडिकेटेड में स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन अपॉन इंडिकेटेड पावर। अगर इंडिकेटेड पावर से डिवाइड करेंगे तो इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हो जाएगा, ब्रेक पावर से तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। इसके बाद है थर्मल एफिशिएंसी, द रेशियो ऑफ वर्क प्रोड्यूस साइकिल टू द अमाउंट ऑफ फ्यूल एनर्जी सप्लाइड पर साइकिल दैट कैन बी रिलीज इन कंबशन प्रोसेस इज नोन एज थर्मल एफिशिएंसी। क्या होती है एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, पावर आउटपुट अपन को मिल रही है, जो अपन को ब्रेक पावर मिल रही है वो तो पावर आउटपुट होगी, ब्रेक यानी ब्रेक पर जो पावर मिल रही है, जो पीछे वाला व्हील है उस पर जो पावर मिल रही है तो आउटपुट होगा। इनपुट क्या हो गया, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, पावर को नीचे डिवाइड करें, एम एफ अपॉन पावर इनटू सीवी, तो एम एफ अपॉन पावर क्या होता है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, तो 1 अपॉन एस एफ सी इनटू सीवी इक्वल टू थर्मल एफिशिएंसी। ये सबने नोट कर लिया क्या? हेलो, यस, नहीं सर, कर रहे हैं सर, कर रहा हूँ। हेलो, कर रहा हूँ सर, करो। इतना बस दिमाग में रखिए कि इनफाइनाइट। इससे पहले वाला भी नोट कर लिया था क्या आपने? ब्रेक पावर का, हाँ, ये सर, ब्रेक पावर वाला, ये एफ पी और नहीं, सर, नहीं तो ये भी कर लिया सर, कर लिया, ये कर लिया सर, ये वाला नोट कर लिया, मैंने तो कर लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। बाकी लोगों ने, किसी ने नोट नहीं किया हो तो, हाँ सर, कोई है क्या, कर ले सर, वो अभी उनको तो बोल दीजिए, जिसने नहीं किया वो कर लिया, हो गया ही, आगे चलें। हेलो, हाँ सर, चलिए, हाँ सर, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी क्या हो गई थी, 1 अपॉन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इनटू कैलोरीफिक वैल्यू वैल्यू। ठीक है, अगर अपन ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसमें ब्रेक पावर आ जाएगी, ये देखो यहाँ पे पावर आई थी ना, ये अगर ब्रेक के लिए निकालेंगे तो ब्रेक पावर हो जाएगी, इंडिकेटेड के लिए इंडिकेटेड पावर हो जाएगी, तो ये ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगी अगर यहाँ पर अपन ब्रेक पावर यूज करते हैं। पावर जनरल टर्म है ये, पावर, अब पावर कौन सी है, या तो ब्रेक पावर होगी या इंडिकेटेड पावर होगी, अगर इंडिकेटेड पावर यूज करते हैं तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगी। जनरली थर्मल एफिशिएंसी पूछी जाए तो अपन ब्रेक पावर यूज करेंगे,
ठीक है, अगर इंडिकेटर पूछा जाए तो अपन ये यूज करेंगे, ठीक है। यूनिट के टर्म में ये होगी 3600 किलोग्राम पर किलोवाट आवर, किलोजूल पर किलोग्राम। ठीक है, ये नोट कर लिया। हो गया यहाँ तक। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी? द पैरामीटर यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंजन इंडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड इट कैन बी डिफाइन एज अ मास रेट ऑफ एयर इंट्रोड्यूस इनटू द सिलेंडर साइकिल इज डिवाइडेड बाय द रेट एट विच वॉल्यूम इज डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी? मास ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये ना, रो ए वी एन बाय टू, टू पर चला जाएगा। एम ए क्या है? मास रेट ऑफ एयर इंड्यूस्ड इन सिलेंडर पर साइकिल, वी ए वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड और डेंसिटी ऑफ एयर है रो ए, डेंसिटी ऑफ एयर हो गया, ठीक है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर इंडक्टेड एट फ्री एयर कंडीशन वी अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो एक्चुअल वॉल्यूम हो गया एयर का, जितना वॉल्यूम एयर एंटर की, और ये स्वेप्ट वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम था। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी? एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये एक्चुअल है और ये टोटल है, ठीक है। V अपॉन पाई बाई फोर डी स्क्वायर एल, ये तो स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया जो उसका टोटल वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी एयर वॉल्यूम एंटर की, तो ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगी। हेलो, हाँ सर, हाँ नोट कर लिया ये? एक मिनट थोड़ा सा बाकी है। वैसे तो ऐसे भी चल रहा है, पर तब तक ये वाला प्लान ले लेता हूँ, ठीक है। खाने का भी मिल जाएगा, ये वाइस भी हो गया, ये एक्स ये बाद में आ गए कि एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इस प्लान का मिला जाएगा, हो गया? हाँ सर, ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नोट करो। द फॉलोइंग डाटा रेफर टू ए सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक डीजल इंजन, ब्रेक पावर दे रखी है 120 किलोवाट, ठीक है। स्पीड है 500 आरपीएम, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर है 850 किलो पास्कल, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है 0.335 किलोग्राम पर किलोवाट आवर, कैलोरीफिक वैल्यू है 43500 किलो जूल पर किलोग्राम, मैकेनिकल एफिशिएंसी है 80%, आई अपॉन डी है 1.25। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है अपन को? थर्मल एफिशिएंसी,
मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, बोर और स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। फोर स्ट्रोक के लिए n इक्वल टू n बाई टू होता है ना, अपन को ये लेना पड़ता है n, जो इसमें ब्रेक पावर इक्वल टू के, के कांस्टेंट है जिसमें वन ही हो गया, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर l, l अपॉन डी दे रखा है 1.25, और तो l कितना हो जाएगा 1.25 d, है ना, एल ए पाई बाई फोर डी स्क्वायर एरिया एन एन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इससे बोर, बोर यानी डायमीटर अपन निकाल लेंगे इससे डी की वैल्यू। कैलकुलेटर है सबके पास, कैलकुलेट करो इसको। हाँ सर, उससे पता लग जाएगा कितने में आवाज आ रही है। चार है ना, दो का इसमें, दो का दूसरे का बना, आवाज आ रही है उसका, देखो ना कितने मिनट का बन रहा है। क्या रहा है डी की वैल्यू? हाँ मिनाज, हेलो मिनाज, हेलो मिनाज, हेलो महिपाल, हेलो हेलो महिपाल, क्या वैल्यू आ रही है डी की? निहाल हेलो, यस सर, क्या वैल्यू आ रही है? सर 0.34 आ रहा है। 0.34 आ रहा है। हिमांशी हेलो, रश्मि यस, क्या वैल्यू आ रही है? 0.36 इतनी ज्यादा तो नहीं आएगी वैल्यू। हाँ कैलकुलेटर नहीं है? फोन इसलिए क्लास के लिए, क्या क्लास के लिए सबको फोन किया था, आज क्लास में बहुत कम थे। सर उस वक्त में कुछ काम करती थी, फिर मैंने आके देखा तब मैंने क्लास ज्वाइन। हाँ महिपाल, 0.33 सर आ रही है बोर डायमीटर 0.33। हाँ रिंकू, रिंकू हेलो,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, है ना। ये पेट्रोल इंजन हैज कंप्रेशन रेशियो 7, ठीक है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी 50%, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, देन कैलकुलेट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, सीबी दे रखा है इसमें, है ना। गामा की वैल्यू है 1.4, फॉर्मूला क्या है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का, 1 - 1/r की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। आर क्या है इसमें, कंप्रेशन रेशियो 7 है, ठीक है, तो इससे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आ जाएगी, है ना, और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी दी हुई है 50%। तो अपन को क्या निकालना है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ईटा बी टी एच है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी 50% ऑफ ईटा, यानी इसका 54.1 का 50% आएगा, है ना, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 27.06%। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, 3600 बीएसएफसी इनटू सीवी, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, बीएसएफसी, बीएसएफसी इधर आ जाएगा। हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है ना, यस सर आ रही है। बीएसएफसी कैलकुलेट करो इसे, और जो माइनस वाला कंसेप्ट आप बोल रहे हैं, अगर आपका कोऑर्डिनेट माइनस आ रहा है, कोऑर्डिनेट अगर आपको माइनस आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास इंटरसेप्टर है 1 0 1, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट आपके कोऑर्डिनेट माइनस 1 इनफाइनाइट 1 आ रहा है, अगर मान लीजिए, मैं इसका नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ये आपको कल कल डिस्कस करूंगा, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस 1/1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो फाइनली जो आपका मिलर एनालिसिस रहेगा वो माइनस 1 0 1 रहता है, पर इसको माइनस ऐसे नहीं छोड़ना है, माइनस की जगह पे बार। हो गया ये यहाँ तक, आंसर क्या आ रहा है, हेलो, 0.302 आ रहा है सर, तब तो आ रहा है क्या, हेलो, हाँ अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, हाँ आंसर आ रहा है क्या, एक बार सब अपनी अटेंडेंस है ना वापिस सेंड करो, वापस अटेंडेंस सेंड करो अपनी, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नोट करो और सॉल्व करो इसको। विजिबल है ना क्वेश्चन सबके लिए, हेलो, यस सर, ओके।
सॉल्व करो इसको, क्वेश्चन नोट कर लिया। हेलो हाँ सर, करो सॉल्व। क्या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तक निकल गया क्या? बोलो। हाँ सर, फॉर्मूले पता नहीं थे, ऐसे आ गया। क्लास लेट ज्वाइन किए, शुरू में फॉर्मूले थे। हाँ सर, वो लेट हो गया सर, मैं वो ध्यान नहीं रहा, मैं लाइब्रेरी में था। कौन सी जॉब था सर? एरोप्लेन मोड़ पे था उस टाइम। हो गया? यस सर, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा सारे क्वेश्चन, है ना? ठीक है, ओके सर। निकालो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्या होता है गैस के लिए? पीवी इक्वल टू आरटी होता है। एन अगर वन हो तो पीवी इक्वल टू आरटी हो जाएगा ना। हाँ सर।